अच्छा सर, तुम तो सभी स्टाफ के सदस्यों को एवं प्राचार्य महोदय को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरे मन में एक विचार आया था अभी कि दो व्यक्ति है ना दौड़ते हुए जा रहे थे रास्ते में, तो बहुत तेज़ी से दौड़ लगा रहे थे वो, तो पीछे वाले से व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई इतनी तेज़ी से क्यों दौड़ रहे हो, तो उसने कहा कि भाई वो अपनी सुना गया अब मेरी सुनने के लिए भाग रहा है वो। तो मैंने कहा भाई मैं भी सुना दूँ, इसलिए मैं रुक गया था, तो मेरी से बोल गया था मैं इंतजार करना, ठीक है। तो ये सुबह तेरे सारी की तो झलक है कि नाम लेके निकलता है आफताब मेरा, दीवाना उसने कर दिया एक बार देखकर, दीवाना उसने कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ भी ना कर सके लगातार देखकर। अब है ना, मैं आपको सुरक्षित एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ, इसको आप है ना अन्यथा ना लें, क्योंकि ये मेरे विचार हैं, किसी को अपने दिल पे ना ले जाए वो बात। कविता का शीर्षक है लक्ष्मण जी हुए थे किस लिए बेहोश, लक्ष्मण जी हुए थे किस लिए बेहोश, लोग कहते हैं कि 14 साल तक, लोग कहते हैं कि 14 साल तक, रात से ले ठीक प्रातः काल तक, लक्ष्मण जी भावों में ऐसे बहे राम का पहरा सदा देते रहे, लक्ष्मण जी भावों में ऐसे बहे राम का पहरा सदा देते रहे, एक पल को भी सोए नहीं बात क्या थी मैं बताता हूँ सही, एक पल को भी सोए नहीं बात क्या थी मैं बताता हूँ सही, लक्ष्मण जी इसलिए जागा किए चाय पीते थे बिना नागा किए, लक्ष्मण जी इसलिए जागा किए चाय पीते थे बिना नागा किए, चाय सोते को जगाती है सदा, चाय सोते को जगाती है सदा, नींद सुस्ती को भगाती है सदा, एक बार चाय पी पाई नहीं युद्ध रखते भी याद ना आई, एक बार चाय पी पाई नहीं युद्ध रखते भी याद ना आई, कई रातों के जागे थे, कई रातों के जागे थे सो गए लोग ये समझे कि मूर्छित हो गए, कई रातों के जागे थे सो गए लोग ये समझे कि मूर्छित हो गए, चाय पी कर हो गए फिर से खड़े, चाय पी कर हो गए फिर से खड़े, और पूरी शक्ति ले अरसे लड़े, वेद जी ने जो मंगाई थी दवा, वेद जी ने जो मंगाई थी दवा, पवन सुत लाए थे जैसे होकर हवा, वह चाय थी संजीवनी बूटी नहीं, सत्य मानो बात ये झूठी नहीं, आज द्रोणागिरि पर्वत स्थित है जहाँ चाय उत्पन्न होती है वहाँ, आज द्रोणागिरि पर्वत स्थित है जहाँ चाय ही उत्पन्न होती है वहाँ, जगदीश जी को दीजिए मत दोष, लक्ष्मण जी हुए थे इसीलिए बेहोश। धन्यवाद।